आप लोगों को दोस्तों दिखाएंगे कि कैसे आप लोग इसराइल में इंडियन एम्बेसी जाके अपना काम कर सकते हो। तो ये है एक्चुअली दोस्तों इंडियन एम्बेसी का जो बिल्डिंग है, एम्बेसी का जस्ट रोड क्रॉस करेंगे और बगल में ही बीच का व्यू आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो हगाना से इंडियन एम्बेसी जाने के लिए 3 बस मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए, मैं आ गया हूँ इसराइल से एक और नया ब्लॉग लेके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम मस्त हो, मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों आज आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉग दिखाएंगे, सीधे जाएंगे इंडियन एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी में कुछ काम है, आप लोगों को दोस्तों दिखाएंगे कि कैसे आप लोग इसराइल में इंडियन एम्बेसी जाके अपना काम कर सकते हो। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं ब्लॉग डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो आप आराम से देख लेंगे। तो दोस्तों अभी सुबह 9 बज रहे और हम लोग अभी जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। यहाँ से हम लोग जाएंगे अभी तेल अबीब, और तेल अबीब में जाके बहुत जगह आप लोगों को घुमाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग देखते रहिए, ब्लॉग को स्किप मत कीजिए, जुड़े रहिए, बहुत कुछ आप लोगों को इस ब्लॉग में बताऊँगा। रेहावत में जो सेंट्रल रेलवे स्टेशन है वहाँ से बस और 5 मिनट में है, तो उधर ही हम लोग जा रहे हैं अभी। इस तरफ जाके हम लोग जो रेहावत स्टेशन है, बस ट्रेन स्टेशन, उधर हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे। ये एक्चुअली यहाँ पे बस स्टेशन है, इधर आप लोग देख सकते हो सब कुछ लिखा है, बस किधर जाएगा नहीं जाएगा यहाँ पे, और सारे बस नंबर दिया हुआ है और बस कब आ रहे नहीं आ रहे सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स दे के रखा है। लेकिन हम लोग आज बस में नहीं जाएंगे, हम लोग ट्रेन में जाएंगे, क्योंकि ट्रेन में सफ़र थोड़ा आसान होता है। बस में भी अच्छा होता है लेकिन ट्रेन में मुझे अच्छा लगता है पर्सनली, तो इसीलिए मैं बस में नहीं जाके ट्रेन में जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग चाहे तो बस में भी जा सकता हो। तो ये है दोस्तों रेहावत सेंट्रल रेलवे स्टेशन, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे। लेकिन उससे पहले जाइए, मैं थोड़ा नज़ारा आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए पूरे जगह, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। देखिए सारे सुबह सुबह 9 बज रहे हैं, हम लोगों का 9:23 पर ट्रेन है। तो अभी चलिए अभी जल्दी जल्दी ट्रेन पकड़ लेते हैं, रास्ता क्रॉस करके ही बिल्कुल पास में यही है रेहावत रेलवे स्टेशन, ये देखिए। दोस्तों आज इस ब्लॉग में मैं ट्रेन का सफ़र आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा, उसके लिए मैं अलग से एक ब्लॉग लेके आऊंगा जिसमें आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप लोग आसानी से बिना किसी झंझट के इसराइल का ट्रेन इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। A few moments later. So finally guys, हम लोग तेल अबीब हगाना में आके पहुँचे, हम लोग बस पकड़ेंगे। तो चलिए बस पकड़ते हैं और वहाँ से हम लोग जाएंगे सीधे एम्बेसी। तो दोस्तों अभी हम लोग ऊपर चल रहे हैं, यहाँ पे ऊपर से हम लोग नीचे जाएंगे, फिर वहाँ पे बस स्टेशन है, वहाँ से हम लोग बस पकड़ेंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 1-2 के लिए भी इधर ही चेंज करना पड़ता है। तो चलिए अभी देखते हैं किस तरफ हम लोग जाके, यहाँ पे देखिए बस स्टेशन के लिए किधर जाना पड़ेगा, मुझे थोड़ा पूछना पड़ेगा कि किधर जाना है। मुझे लगता है दोस्तों कि इसी तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़िट लिखा है और ये एक यहूदी व्यक्ति ये रेलवे स्टेशन के बीचे बीच खड़े होके यहीं पे वो प्रेयर कर रहे हैं। दोस्तों किसी भी इजरायली रेलवे स्टेशन में मैंने देखा, जैसे एयरपोर्ट में सारे चीज़ें स्कैन होता है मोबाइल से लेके सब बैग्स वगैरह, तो इधर भी स्कैन होता है, ये अच्छा सिस्टम है। सो दोस्तों फाइनली हम लोग तेल अबीब हगाना स्टेशन के बाहर आके पहुँच गया हूँ। यहाँ से हम लोग को ढूंढना पड़ेगा कि बस कहाँ मिलेगा, यही आसपास कहीं होगा मुझे पता है, थोड़ा ढूंढ के निकलना पड़ेगा। रोड वगैरह भी देखिए, देखिए चकाचक बहुत फास्ट चलता है यहाँ पे बस, मतलब 4-व्हीलर जो है बहुत फास्ट चलते हैं, आप लोग देख सकते हो। दोस्तों हम लोग स्टेशन के बाहर आने के बाद बाएं तरफ चले गए, इस तरफ आप लोगों को नहीं जाना है, ये लोग बोल रहे हैं कि सामने की तरफ है और रोड क्रॉस करके है। तो अभी हम लोग उसी तरफ चल रहे हैं, उधर बोल रहे हैं कि बस स्टॉप है, तो उधर चल के देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये स्टेशन से हम लोग जैसे ही बाहर आए, बाहर की तरफ सारे देखिए ई बाइक रखा हुआ है, यहाँ से ई बाइक भी मिल जाएगा आपको, लेकिन इसका फैसिलिटीज़ वो कार्ड वगैरह जो स्पेशल होता है वो हमारे पास नहीं है। और सारे साइकिल स्टैंड भी होता है यहाँ पे, सारे साइकिल छोड़ के ये लोग चले जाते हैं वीकेंड में, ये लोग साइकिल छोड़ के यहीं पे चले जाते हैं, और जब आते हैं तो यहीं पे साइकिल रख देते हैं, फिर पूरा दिन काम करने के बाद जब शाम को आते हैं, तो शाम के आने के बाद देखिए अभी कितना भीड़ देखिए, इतना अगर ट्रैफिक होता है तो ये लोग बोलते हैं बहुत ट्रैफिक हो गया, हमारे लिए तो ये नॉर्मल है। तो अभी हम लोगों को
जाना पड़ेगा उधर बस पकड़ने के लिए, तो उस तरफ हम लोग को बस मिलेगा। अभी हम लोग जा रहे हैं उधर, मुझे लगता है उस तरफ जो है उधर बस मिलेगा, तो देखते हैं, पहले जाते हैं उस तरफ। तो हगाना से इंडियन एम्बेसी जाने के लिए 3 बस मिलता है, 4 नंबर, 104 नंबर, 204 नंबर, तो ये सारे बस मिलता है। तो देखिए वो रास्ते के उस तरफ जब बस मिलेगा, तो अभी हम लोग पहले क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद उस तरफ बस मिलेगा। यहाँ पे एक्चुअली कुछ काम चल रहा है, देख आप लोग देख सकते हो काम चल रहा है, इसीलिए जो है पूरा थोड़ा मुझे जो है थोड़ा कन्फ्यूजन में हो गया। इस तरफ देखिए ये सारे के सारे काम चल रहे हैं इस तरफ, इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूज हो गया। तो अभी हम लोग रास्ता क्रॉस कर लिए, उस तरफ देखिए ट्रेन स्टेशन है उस तरफ, और जैसे ही हम लोग रास्ता क्रॉस किए तो इस तरफ आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को 4 नंबर और 104 नंबर बस लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे दिखा रहे हैं 4 नंबर, 104 नंबर, ये सारे बस यहाँ पे देखिए दिखा रहे हैं ये, तो यहाँ से हम लोग 4 नंबर बस लेंगे। तो चलिए अभी वेट करते हैं, देखते कब आते हैं। मेरे ख्याल से हर ये देखिए 4 नंबर जा रहे हैं। जस्ट अभी अभी दोस्तों हम लोग बस पकड़े हैं यहाँ से, जो हगाना जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के बाहर जैसे कि हम लोगों को बताया, रास्ते की दूसरे तरफ जैसे ही हम लोग आए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया क्योंकि थोड़ा काम चल रहा था, लेकिन मुझे पता था कि रास्ता क्रॉस करना है, तो हम लोग रास्ता जैसे ही क्रॉस किए हम लोग को बस मिला और 4 नंबर बस हम लोग पकड़े। हर 3 मिनट 4 मिनट में आपको बहुत सारे 4 नंबर का बस मिलेगा, उधर से बस ले लीजिए, और यहाँ से आधा घंटा लगेगा लगभग 5 किलोमीटर के आसपास। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आके पहुँचे, बस जो ये जो बस था वो इलेक्ट्रिक बस था, तो थोड़ा स्लो आ रहा था, थोड़ा भीड़ भी था। तो ये जो बस स्टॉप है, इस बस स्टॉप का नाम है हा यारकॉन बेन गुरियन, ये याद रखिए, मैं फिर से बता दूंगा। तो अगर इंडियन एम्बेसी आना है, ये जो रास्ता है, ये पूरे रास्ते में सारे एम्बेसी वगैरह है, आप लोग देख सकते हो। तो अभी फिलहाल हम लोग चलेंगे, पहले काम निपटा लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, पहले काम निपटा लेते हैं, उसके बाद और भी डिटेल्स आप लोगों को थोड़ा घूम के इधर उधर दिखाएंगे। तो पहले एम्बेसी चलते हैं, मेरे काम निपटा लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए बड़े बड़े इमारतें हैं, यहाँ पे देखिए कितना बड़ा बड़ा, देखिए ये सारे के सारे ये, और एक्चुअली जो ये रास्ता है सामने जो है मुझे दिख रहा है, इंडियन फ्लैग मुझे दिख रहा है, जो इंडियन एम्बेसी के एकदम बिल्डिंग के बाहर ही है, और इस तरफ जो है ये बीच है, तो बीच में भी हम लोग चलेंगे। देखिए बिल्डिंग देखिए कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग देखिए, और ये मैंने कल थोड़ा सर्च कर रहा था तो मैंने देखा था ये बिल्डिंग, इस टाइप का बस था सारे, और ये सारे इलेक्ट्रिक बस था यहाँ पे। नॉर्मली ये थोड़ा सा रिलेटिवली ओल्ड सिटी है, क्योंकि हम लोग रेहबत में रहते हैं, और रेहबत जो है न्यू सिटी है, और वहाँ पे बस ज़्यादातर ग्रीन कलर का बस ही मिलता है। आप लोगों ने काफ़ी सारे टाइम देखा, 11 बजे मेरा अपॉइंटमेंट है 15 मिनट के लिए, तो अभी जस्ट और 4-5 मिनट है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो पहले काम निपटा लेते हैं, पहले चलते हैं वहाँ पे, पहले देखेंगे, उसके बाद आप लोगों को फिर देखिए। ये सारे इजराइल के लोग देखिए काम कर रहे हैं यहाँ पे, के नाइस मीटिंग यू। ये देखिए इंडियन नेशनल फ्लैग आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो ये है एक्चुअली दोस्तों इंडियन एम्बेसी का जो बिल्डिंग है, तो ये है इंडियन एम्बेसी का बिल्डिंग, देख लीजिए, इससे ज़्यादा और करीब से हम लोग नहीं दिखा सकते, ये सिक्योरिटी के खिलाफ हो जाएगा, तो इसीलिए इससे करीब हम लोग नहीं दिखाएंगे। तो ये है जो अंदर काम है, पहले वो निपटा लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से बात करेंगे। तो दोस्तों आधा घंटा लगा, लेकिन जो मेरा काम था, जो सबमिशन करना था, वो मैंने सबमिट कर दिया है, और अभी बहुत टाइम है हम लोगों के पास, अभी बज रहे हैं 11:40, तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी हम लोग घूमेंगे, हम लोग बीच भी जा सकते हैं। देखिए मेरे पीछे की तरफ, इस तरफ जो है बीच है, गॉर्डन बीच, लेकिन हम लोग गॉर्डन बीच जाने से पहले हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर जो कारमेल मार्केट है, वो कारमेल मार्केट पहले हम लोग चलेंगे, उसके बाद कारमेल मार्केट घूमने के बाद बीच में आएंगे और इधर लंच वगैरह करेंगे, तो अभी काफ़ी टाइम है, तो पहले कारमेल मार्केट
चला जाएंगे। तो यहाँ से कारमेल मार्केट जाने में फिर बस लेना पड़ेगा, वही 4 नंबर बस लेना पड़ेगा। यहाँ का जगह ना बहुत अच्छा लगा मुझे, पता नहीं आप लोगों को कितना दिखाई दे रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छा जगह है। और इधर वेदर जो है ना थोड़ा, एक्चुअली ये साइड में आप लोग देख सकते हो पूरा बीच है, बीच के पास ही है, इसीलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और मुझे वेदर ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये है एम्बेसी का बिल्डिंग, देखिए ये पूरा एम्बेसी का बिल्डिंग। काफ़ी भीड़ नहीं था, कम ही भीड़ था। देखिए कितना बड़ा बड़ा ये सारे होटल है, देखिए कितना बड़ा बड़ा होटल है, देखिए बीच के साइड में। और बहुत अच्छा जगह पे लोकेशन, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये जो एम्बेसी है, एम्बेसी का जस्ट रोड क्रॉस करेंगे और बगल में ही बीच है, तो बीच में ये। और जो रास्ता का नाम है हायरकॉन बेन गुरियन, ये लोकेशन एग्जैक्टली बस आएगा। और बस जैसे आप लोगों को दिखाया, बस से उतरने के बाद जस्ट 2 मिनट लगता है, 3-4 बिल्डिंग छोड़ के ही पैदल आने के बाद आपका इंडियन एम्बेसी मिलेगा। ये थोड़ा तेल अविव का रिलेटिवली पुराना शहर है, इसलिए आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। छोटा छोटा घर देखिए इस तरफ। तो अभी हम लोगों को रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा, और रास्ता क्रॉस करके हम लोगों को बस लेना पड़ेगा। तो हम लोग अभी रास्ता क्रॉस करेंगे। ये देखिए, ये पूरा बीच का नज़ारा देखिए, ये बीच का व्यू आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो इधर हम लोग बाद में आएंगे, पहले यहाँ पे बस है, तो ये बस में हम लोग पहले जाएंगे और पहले मार्केट घूम के आएंगे, क्योंकि अभी धूप का टाइम है, तो पहले मार्केट घूम लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, अगर ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और ब्लॉग लेके, तब तक के लिए सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।